इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से, जहां बिहार के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता सुनील पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश के विंध्याचल पहुंचे थे, जहां वो दर्शन किए हैं, उसके बाद फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बिहार में आज सुबह से ही बाहुबलियों के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन दिख रहा है। पहले राजन तिवारी को रक्सौल से गिरफ्तार किया गया, तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर से ही बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सुनील पांडे विंध्याचल में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सुनील पांडे अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि अष्टभुजा में हुई गोलीकांड मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विंध्याचल से उन्हें गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक के ऊपर हत्या के षड्यंत्र रचने का आरोप पुलिस ने लगाया है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि अष्टभुजा गोलीकांड में यह गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले आज सुबह ही पूर्व बाहुबली विधायक राजन तिवारी को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि भी मोतिहारी के एसपी ने किया है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजन तिवारी को हरैया ओपी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजन तिवारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई संगीन मामले दर्ज थे और इन्हीं मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ सुनील पांडे को लेकर जो जानकारी आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि सुनील पांडे अपने साथियों के साथ विंध्याचल गए थे। विंध्याचल में दर्शन करने के बाद वो अपने साथियों के साथ बैठकी लगाए हुए थे। उसी दौरान वहां पे हथियारों की नुमाइश हो रही थी, खाने पीने का इंतजाम किया गया था और इस बीच गोलीबारी की गई। उस इलाके में जो नए एसपी आए हैं, उन्हें इस बात की भनक लगी, फिर क्या था, आनन फानन में सभी लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। जो जानकारी निकल के सामने आ रहा, उसमें बताया जा रहा है कि थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सुनील पांडे अपने बाहुबल और अपने रसूख का वहां इस्तेमाल किए, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें कहा गया कि होटल छोड़कर नहीं जाना है, लेकिन उसके बाद आज देर शाम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके वापस ले गई। और अब जो खबर निकल के सामने आ रहा उत्तर प्रदेश से कि सुनील पांडे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जेल भेज दिया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में बाहुबलियों के ऊपर जो संकट है वो मंडराते जा रहा है। बिहार में एक तरफ महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से महागठबंधन के सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरे तरफ जो पूर्व विधायक हैं और बाहुबली नेता हैं, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो एक्शन कर रही है। आपको बता दें कि सुनील पांडे पशुपति पारस गुट के लोजपा में अभी भी सक्रिय नेता हैं। हालांकि अब तक कोई सियासी बयान नहीं आया है, लेकिन सुनील पांडे की गिरफ्तारी के बाद से बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज हो सकती है।